मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े हैं बड़े हैं मैं आठ साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग एक साल में हर टॉपिक का कोर्स बनकर तैयार है अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट प्री में तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि आंगनबाड़ी भर्ती चल रही है और दोस्तों इसमें बहुत से ऐसे जिले हैं जिनका अभी तक चयन नहीं हुआ है और बहुत से लोग इंतजार में हैं कि आखिर उन जिलों का चयन कब होगा और उन जिलों के निवासी वहाँ पर जो है इंतजार में है कि वहाँ पर जल्द से जिलों का चयन हो और यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले पाएँ तो दोस्तों यहाँ पर आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर तीन बड़ी खबरें तड़कती भड़कती हुई निकल कर आ रही हैं जी हाँ दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारा नया आने वाला वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसे भी ज्वाइन कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए वहाँ पर हम बात कर सकते हैं पर्सनली आप हमसे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके हर डाउट का वहाँ पर आंसर मिल जाएगा तो दोस्तों चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया के सी की कमेटी गठित तो दोस्तों आप इससे क्या समझे? आप समझे कुछ तो मतलब इसका सी डी पी ओ की जब ये कमेटी गठित होने लगी है तो इसका मतलब है आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जल्द आने वाली है जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद ही कमेटी गठित होकर वहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो अब जो है कमेटियों का गठन होना चालू हो गया अलीगढ़ में इसका जो गठन हो चुका है आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है सी डी पी ओ की कमेटी जो है गठित हो चुकी है अब दोस्तों ये थी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो इसकी आंगनबाड़ी की मेरिट लिस्ट है वो जल्द जारी हो गई मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट है जल्द जारी हो सकती है नवंबर तक जारी हो सकते हैं नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में जारी हो सकते हैं तो दोस्तों जो आपका जिला है वहाँ पर मतलब किस तरह से दोस्तों जो कमेटी वो गठित की जाएगी वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकत्री की भर्ती का मामला बेशक अभी हाई कोर्ट स्तर पर लंबित है और अगर ये दोस्तों आपका मामला है अगर हाई कोर्ट तक ना पहुँचा होता दोस्तों अब तक जो है जितने भी जिले हैं सबका चयन हो चुका होता और दोस्तों इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो अब तक जारी होने के चांसेज बहुत होते मतलब अब तक लगभग यहाँ पर जारी हो गई होती है अब मेरिट लिस्ट अगर आपका ये जो कोर्ट तक फैसला ना जाता आगे दोस्तों देख सकते हैं मगर जिला प्रशासन ने बेदा भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त कराने का प्लान तैयार कर लिया है डीपीओ पी सुरेश कुमार ने चार कमेटियों का गठन किया है तो ये दोस्तों अलीगढ़ के लिए था जहां पर दिया गया है और इसी तरह से लगभग जितने भी जिले हैं वहां पर जो है गठन किया जाएगा आगे आप देख सकते हैं प्रत्येक कमेटी में तीन तीन मतलब चार कमेटियाँ गठित की गई और एक कमेटी में तीन सी डी पी ओ को रखा गया है इनका काम आवेदन पत्रों की जांच करना है उनमें सुधार करना है और आवेदनकर्ताओं के दस्तावेजों को जांचने के बाद जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष रखना और तय करना है कुछ समझे आप मतलब यहाँ पर ये यह जो इसका गठन हो रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले जो आवेदन पत्र में आपके जो ये दस्तावेज जमा करने के लिए भी बोला जा रहा है ब्लॉक में जहाँ पर अभी दोस्तों बोला गया है तो आप दोस्तों इसकी जो डेट निश्चित की गई है ग्यारह से इक्कीस इक्कीस तारीख तक आप जमा कर दें तो यहाँ पर पंद्रह हज़ार तैंतीस लोगों के लिए बोला गया है जिन्होंने भी पंद्रह जुलाई तक आवेदन किया गया है उनके लिए तो दोस्तों आगे आप देख सकते हैं उन्हें मतलब उनमें जांच करने के लिए उनकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी आखिर उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं अगर गड़बड़ हुआ है तो उसमें सुधार कर लें और इसके जितने भी दस्तावेज हैं तो उन्हें जांचने जांचने का कार्य दिया गया और जांच करके इसे जिला स्तरीय इस चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा आगे दोस्तों डीपीओ ने बताया मतलब वहाँ पर जितने भी लोगों का चयन होना है आठ सौ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती होनी है वहाँ पर अलीगढ़ में तो आगे दोस्तों अलीगढ़ में आठ सौ आंगनबाड़ी कार्यकत्री होंगे आगे दोस्तों जिला स्तरीय चयन समिति की अध्यक्षता सी डी ओ के द्वारा की जाएगी इसमें डी पी ओ जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी व एक अधिकारी जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो उसे रखा जाएगा हाई कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया बहाली का आदेश जारी होते ही इस पर काम शुरू किया जाएगा अब मतलब यह जो आपका हाई कोर्ट में फैसला अटका हुआ है तो इस पर भी जल्द ही सुनवाई की जाएगी और जल्द ही इसका जो है निश्चित करके और आपकी मेरिट लिस्ट के बारे में दोस्तों जल्द ही एक खुशखबरी निकल कर आएगी दोस्तों दूसरी न्यूज़ है आप देख सकते हैं कब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय और सेवाएं स्वतः हो जाएंगी समाप्त यहाँ से पूर पढ़ें पूरी खबर मतलब अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी जरूरी है कि आपका जो है कितनी एज तक ये जो है आपका जो मानदेय सेवा है समाप्त कर दिया जाएगा दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कई जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है यहाँ पर जैसे आंगनबाड़ी सहायक जितने भी पद थे उनके लिए जो आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इनकी मेरिट सूची के लिए इंतजार बना हुआ है दोस्तों आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में अट्ठावन सालों से भी अधिक जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पदों पर जो है भर्ती निकाली गई थी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है भर्ती में आवेदन करने के लिए महिला उम्मीदवारों को अब इसकी सूची जारी किए जाने का इंतजार बना हुआ विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में छपी खबरों से मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर माह में इन पदों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी लेकिन दोस्तों अक्टूबर माह के लास्ट तक यहाँ पर बताया जा रहा था आपकी ये जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी लेकिन दोस्तों हो सकता है अक्टूबर के लास्ट तक कुछ जिले हैं उनकी जारी कर दी जाए हालांकि इस बारे में अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पर मेड लिस्ट के संबंध में कोई भी यहां पर जानकारी ही नहीं दी गई है कि आखिर किस तरह से जारी की जाएगी बस यहां पर यह दे दिया गया है कि किस तरह से आपकी बनेगी बस इतना दे दिया और ये मैंने बहुत से वीडियो में आने आपको बता भी रखा है जिसके बाद जल्द ही ग्रामीण इलाकों में बने केंद्रीय जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो लंबे से खाली पड़े हैं तो उन्हें जो है आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी व बा सहायिका के पद पर नियुक्ति दे दी जाएगी और मेरिट सूची देखने के लिए बाल विकास उपभोष्टाहार की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहें ये यहाँ पर दिया गया लेकिन इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी कुछ नहीं दिखा रहा है और जब भी उस पर कुछ भी शो करेगा इसको लेकर मेरिट लिस्ट को लेकर तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बासठ साल की एज पूरी होने पर यहाँ पर दोस्तों इसकी जो मानदेय सेवा है वो स्वतः समाप्त की जाएगी कोई भी हो यहाँ पर अगर बासठ साल एज पूरी हो गई है तो उसकी मानदेय सेवा है वो स्वयं समाप्त कर दी जाएगी तो दोस्तों स्कूटनी रिजल्ट आने के यहाँ पर चक्कर में मतलब स्कूटनी रिजल्ट आने में आपकी दिक्कत हो रही इसलिए आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है इसके लिए आपको दोस्तों एक कॉल आ सकता है अगर कॉल आए तो आप वहाँ पर जाकर जमा कर सकते हैं हालांकि कॉल तो बहुत से लोगों के पास आ भी चुका होगा अगर नहीं आया हो तो आ जाएगा और जब आए कॉल तब भी आप जा सकते हैं और पहले भी आप दोस्तों वहाँ पर ब्लॉक में पता करवा सकते हैं कि आपको वहाँ पर जो है ये कब जमा करने हैं आपको जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ बताए जाए वो आप जमा कर दें तो दोस्तों हालांकि जो आपने वहाँ पर जमा करवाए थे डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन अप्लाई में वही आपके जमा हो जाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं आपका किस नंबर पर कॉल आएगा तो दोस्तों आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा सबसे पहले मोबाइल नंबर और डी डालकर जब आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था पहले जब आपने वहाँ पर मोबाइल नंबर फिल किया था तो उसी मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने वहाँ रजिस्टर किया होता है उस पर दोस्तों आपको एक कॉल आएगा वहाँ पर आपको दोस्तों बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर किस डेट पर कितनी तारीख को मतलब कितने बजे पहुँचना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ तो उन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ आपको पहुँचना है बस आप लोगों को घबराना नहीं इसकी मेरी लिस्ट भी जल्दी जारी होगी तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत